नगर निगम द्वारा शहर के बड़े नालों की सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आज भी कई क्षेत्रों में नलों में कचरा व गंदगी जमा है, जिसके चलते बरसात के समय घरों में पानी घुसने का हमेशा खतरा बना रहता है। जी हां, आज हम मेरा वार्ड मेरी समस्या में बात कर रहे हैं प्रेमनगर वार्ड नंबर 41 की। इस क्षेत्र में 3 बड़े नाले होकर गुजरते हैं, जिसमें बरसात के समय पठारी क्षेत्र से भारी मात्रा में पानी की आवक होती है। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, उस समय नगर निगम को याद आती है नालों की सफाई की। हालांकि नगर निगम द्वारा इन दिनों नालों को साफ करवाया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम द्वारा बड़े नालों में 1 या 2 दिन जेसीबी मशीन चलाकर खानापूर्ति कर दी जाती है, जबकि ये नाले इतने लंबे और बड़े हैं जिसमें 1 या 2 दिन में कुछ सफाई नहीं हो सकती। ऐसे प्रशासन को चाहिए कि नालों की प्रॉपर सफाई करवाई जाए और नालों के अंदर अतिक्रमण हटाया जाए, तब जाकर बरसात के समय घरों में घुसने वाले पानी से स्थानीय लोगों को निजात मिल सकेगी। वार्ड 41 के पार्षद प्रतिनिधि विनोद बुट का कहना है कि नगर निगम द्वारा इस क्षेत्र के प्रमुख नालों की सफाई के लिए 5 दिन के लिए जेसीबी मशीन का शेड्यूल तैयार किया गया है। ऐसे में इन 5 दिनों में ही नालों की सफाई करवानी है, जबकि यह क्षेत्र काफी बड़ा है। इस क्षेत्र में नालों की सफाई के लिए लगभग 10 से 15 दिन के लिए नगर निगम उन्हें बड़ी मशीन सौंपे, तब नालों की सफाई हो सकती है। लेकिन क्या करें, क्षेत्र में नालों की सफाई के लिए निगम में जितना समय दिया है उसी में सफाई करवानी पड़ेगी। नालों की सफाई नहीं हुई, इसको लेकर आपने नालों की सफाई के लिए हमने नगर निगम को लिख कर दे दिया और हमारे यहाँ 5 दिन का शेड्यूल आया है नगर निगम से कि 5 दिवस के दौरान जो जो हमारे वार्ड के प्रमुख नाले उनकी सफाई का नगर निगम के द्वारा टेंडर करके और जो जेसीबी से जो साफ होते हैं मैनुअल उनका टेंडर हो चुका है और हमारे 5 दिन तक जेसीबी का कार्य करके जो प्रमुख नाले उनकी सफाई की जाए। क्या आपको लगता है 5 दिन में काम हो जाएगा? ये 5 दिन तो कम है परंतु करेगी लोगों की संतुष्टि के लिए 5 दिन या हम 10 दिन के बराबर, क्योंकि जहाँ तक होता है हम लड़ाई झगड़े जो भी अधिकारी उनसे करकुरा के लाते हैं और अभी हमारे 5 दिन के शेड्यूल के बाद आगे भी हम लिख के देंगे ताकि बरसात के समय में जो हमारा जल भराव का जो क्षेत्र है वो उस तरीके की समस्या नहीं आए।